दुख क्यों? तुम्हारे पास धन नहीं, बुद्धि नहीं, स्वस्थ तन नहीं और जगत में अपमान मिल रहा है, इसलिए सुख नहीं है। ऐसी तुम्हारी धारणा है। यदि वस्तुतः तुम्हारी ऐसी ही परिस्थिति है तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में मनुष्य जगत की ओर से मोह ममता हटाकर भगवान की ओर बढ़ता है। ईश्वर चाहते हैं कि भगवान जिस पर बड़ी दया करते हैं उसी के सामने ऐसी परिस्थिति लाकर रखते हैं। निश्चय ही भगवान तुम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं और तुम्हें अपनी शरण में लेने के उत्सुक हैं। दुख की स्थिति से उठाएं लाभ। अब तुम्हारा काम है कि इस परिस्थिति से लाभ उठाया जाए। संसार के मनुष्य संसार से दुख और अपमान पाकर भी उसी में रचे पचे रहते हैं। सौभाग्य की बात है कि तुम्हें जगत के स्वरूप का वास्तविक अनुभव हुआ। अब तुम यह निश्चय करो कि दीन बंधु भगवान के सिवा कोई भी अपना नहीं है। यह जगत, यह शरीर अनित्य और दुख रूप है। इसे पाकर भगवान का स्मरण करो। ईश्वर के प्रति समर्पण ही जीवन का सार है। आप सुख, अच्छी सेहत, धन, मान या अपना उद्धार, जो कुछ भी चाहो, उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवान का भजन। भजन करने में कोई कठिनाई नहीं है। अपना तन, मन, धन, जो कुछ भी अपना कहा जाने वाला हो, सब कुछ मन से भगवान को अर्पण कर दो। आप भगवान के हो जाएं, सोएं भगवान के लिए, जागे भगवान के लिए, सब कार्य, सारी चेष्टा भगवान के लिए हो। अपने लक्ष्य, अपने प्राणों के भगवान ही आराध्य बन जाएं। ऐसी अवस्था में जो सुख मिलेगा उसकी तुलना कहीं नहीं है। आप घर न छोड़ें, काम न छोड़ें, केवल भगवान से नाता जोड़ लें, उनके ही हो जाएं। सब कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करें तो समझो बेड़ा पार है। शेष प्रभु की कृपा है। धन्यवाद।